हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज सॉरी, आज की वीडियो थोड़ी लेट है, लेकिन मैंने सोचा कि दो अलग अलग वीडियोस बनाने से अच्छा एक ही वीडियो के अंदर हम AEW कंपनी के डायनामाइट शो और न्यू जापान प्रो रेसलिंग के रेसल किंगडम 17 पे पर व्यू के बारे में बात करेंगे। इसलिए वीडियो थोड़ी फार लेट है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि आज इस वीडियो के अंदर हम कल होने वाले AEW कंपनी के डायनामाइट शो का प्रीव्यू तो करने ही वाले हैं, पर इसके साथ ही हम यहां पर आज हुए न्यू जापान प्रो रेसलिंग के रेसल किंगडम 17 पे पर व्यू का भी रिव्यू करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि उस पे पर व्यू के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज, अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कल होने वाले AEW कंपनी के डायनामाइट शो की और जानते हैं कि कल के डायनामाइट शो के लिए AEW कंपनी ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज की है और हमें कल के डायनामाइट शो के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। पर गाइज, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल का डायनामाइट शो AEW कंपनी का साल का सबसे पहला डायनामाइट शो होने वाला है और इस डायनामाइट शो को लेकर काफी ज्यादा हाइप है कि हमें इस डायनामाइट शो के ऊपर AEW कंपनी की प्रोडक्शन क्वालिटी के अंदर एक अपग्रेड देखने को मिलने वाला है और हमें यहाँ पर नए सेट्स भी देखने को मिलने वाले हैं। पर इसके साथ यहाँ पर अपडेट ही सामने आ रही है कि गाइस, कल की डायनामाइट शो के ऊपर हमें पॉसिबली डायनामाइट शो के लिए नए थीम सॉन्ग्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कि वो थीम सॉन्ग्स कैसे होते हैं। पर गाइस, सबसे पहली चीज जो कि AEW कंपनी ने कल के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हमें कल के डायनामाइट शो के ऊपर स्वर्व स्ट्रीटलैंड एयर फोर्स को एक वन ऑन वन मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई देने वाले है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइस, इस मैच के लिए कोई बड़ी बैक स्टोरी नहीं है, क्योंकि हाल ही में स्वर्व स्ट्रीटलैंड को वो काफी वायलेंट है ये प्रूव करना है और इसीलिए स्वर्व स्ट्रीटलैंड ने इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एयर फोर्स के खिलाफ एक मैच मांगा है और इसीलिए हम ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर देखने को मिलने वाला है, जो इस मैच के लिए एक सीधी सी और स्ट्रेट फॉरवर्ड बैक स्टोरी है। लेकिन गाइज, इसके साथ ही ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है, क्योंकि गाइज, मैंने इससे पहले लुचा अंडरग्राउंड के अंदर स्वर्व स्ट्रीटलैंड और एयर फोर्स का मैच देखा है और वो मैच काफी वायलेंट था, इसीलिए मेरी इस मैच से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है और मुझे देखना है कि इंडिपेंडेंट रेसलिंग के अंदर एक दूसरे के खिलाफ बहुत ही बढ़िया कमाल करने के बाद इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर ये दोनों सुपरस्टार्स क्या करते हैं। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज, मेरे हिसाब से स्वर्व स्ट्रीटलैंड ही ये मैच जीतने वाले है, क्योंकि हाल ही में उनका हील टर्न हुआ है और मुझे नहीं लगता कि स्वर्व इतनी जल्दी अपना कोई मैच हारने वाले है। लेकिन गाइज, इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW कंपनी ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जेड कागिल और रेड वेलवेट मिलकर कियारा होगन और स्काई ब्लू को एक नॉर्मल टैग टीम मैच के अंदर फेस करती हुई दिखाई देने वाली है। और गाइज, मुझे लगता है कि आपको तो कियारा होगन और जेड कागिल के बीच में चल रही राइवलरी पता ही होगी, पर हमने सरप्राइजिंगली लास्ट वीक के रैम्पेज शो के ऊपर देखा था कि रेड वेलवेट कियारा होगन के लिए जेड कागिल के खिलाफ जा चुकी थी। तो देखना पड़ेगा कि इसके बाद इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या जेड कागिल और रेड वेलवेट एक टैग टीम का हिस्सा बनकर ये मैच रसल कर पाती है या नहीं। जिस स्टोरी के साथ ये मैच देखने के लिए मजा आएगा और मेरे हिसाब से ये मैच भी एक काफी बढ़िया मैच हो सकता है। लेकिन जहां तक बात इस मैच की विनर की, तो गाइज, मुझे नहीं लगता कि यहां पर भी जेड कागिल ये मैच हारने वाली है, क्योंकि वो अनडिफीटेड है और वो अनडिफीटेड रहने वाली है। लेकिन गाइज, इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW कंपनी ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हैंगमैन पेज अपने हेल्थ स्टेटस एड्रेस करते हुए दिखाई देने वाले है। तो देखना पड़ेगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर आकर हैंगमैन पेज क्या कहते हैं, क्या उन्हें रसल करने के लिए क्लियर कर दिया गया है या नहीं। पर अगर आप हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट फॉलो करते हैं, तो आपको ओरिजिनल स्टोरी पता होगी। पर गाइज, इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW कंपनी ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर ब्रायन डेनियसन टोनी नीस को फेस करते हुए दिखाई देने वाले है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज, इस मैच की बैक स्टोरी भी काफी सिंपल सी है कि टोनी नीस के मैनेजर यानी कि स्मार्ट मास्टर लिंक MJF का भी मैनेजर है और यहाँ पर ब्रायन डेनियसन MJF के पीछे पड़े हुए है, इसलिए MJF की बिहाफ पर ब्रायन डेनियसन को रोकने के लिए मास्टर लिंक ने टोनी नीस को ब्रायन डेनियसन के खिलाफ एक मैच देने के लिए कहा है, जिससे कि टोनी नीस ब्रायन डेनियसन को रोक पाए, जो कि इस मैच के लिए एक सीधी सी बैक स्टोरी है। और हमें यहाँ पर पहली बार टोनी नीस और ब्रायन डेनियसन AEW कंपनी के शोज के ऊपर एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई देने वाले है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि दोनों ही टेक्निकल रेसलर इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर ये मैच कितना बढ़िया मैच देते हैं। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज, मुझे नहीं लगता कि टोनी नीस ब्रायन डेनियसन को रोक पाएंगे और मेरे हिसाब से यहां पर ब्रायन डेनियसन ही ये मैच जीतने वाले है। पर इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW कंपनी ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर रिकी स्टार्स क्रिस जेरिको को फेस करते हुए दिखाई देने वाले है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज, हमने देखा है कि जेरिको ने स्टार्स को जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी ज्वाइन करने का मौका दिया था, पर स्टार्स ने उसे मना कर जेरिको के खिलाफ एक मैच मांगा था और जेरिको भी स्टार्स से काफी बड़े सुपरस्टार है ये प्रूव करने के लिए स्टार्स के खिलाफ एक मैच देने के लिए मान चुके है।
चलिए हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर रिकी स्टार्स और क्रिस जेरिको इनके बीच में मैच देखने को मिलने वाला है, जिसे कि AEW कंपनी एक फर्स्ट टाइम एवर मैच कहकर प्रोड्यूस कर रही है। तो देखना पड़ेगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है और इस मैच के अंदर रिकी स्टार्स और जेरिको की परफॉर्मेंस कैसी होती है। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइज मेरे हिसाब से यहाँ पर रिकी स्टार्स ये मैच जीतने वाले है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो एक काफी डोमिनेंट रन के ऊपर है और रिकी स्टार्स को कोई मैच नहीं हारना चाहिए, इसलिए मेरे हिसाब से स्टार्स ये मैच जीतेंगे। लेकिन गाइज इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW कंपनी ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, वो ये है कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान ने MJF को अपीयर रहने के लिए कहा है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि MJF तो इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर नहीं आना चाहते, पर टोनी खान ने फोर्सफुली MJF को इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर बुक कर दिया है। तो देखना पड़ेगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर आकर MJF क्या करते हैं। पर गाइज इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW कंपनी ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर समोआ जो अपनी TNT चैंपियनशिप चैलेंजर डार्बी एलन खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज हमने देखा है कि समोआ जो ने अपने टाइटल डिफेंस के अंदर डार्बी एलन को काफी बुरी तरीके से हरा दिया था, लेकिन डार्बी एलन ने कहा था कि वो तब तक नहीं रुकने वाले जब तक कि वो TNT चैंपियन नहीं बन जाते, इसलिए डार्बी एलन समोआ जो के पीछे पड़े हुए हैं और इसी वजह से यहाँ पर समोआ जो को डार्बी एलन के खिलाफ अपनी TNT चैंपियनशिप डिफेंड करनी पड़ रही है। तो देखना पड़ेगा कि इस बार जब समोआ जो और डार्बी एलन एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। और वैसे भी इस मैच के अंदर स्टिंग डार्बी एलन के ऊपर बिलीव नहीं कर रहे कि डार्बी समोआ जो को हरा पाएंगे, तो देखना पड़ेगा कि वो भी स्टोरी इस मैच के अंदर किस तरीके से वर्क करती है। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइज मेरे हिसाब से यहाँ पर समोआ जो ही मैच जीतने वाले हैं और समोआ जो स्टिल रहने वाले हैं TNT चैंपियन। लेकिन देखना पड़ेगा कि डार्बी के मैच हारने के बाद डार्बी एलन और स्टिंग के बीच में क्या होता है। लेकिन गाइज इसके बाद जो अगली चीज जो AEW कंपनी ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर द क्लेम अपने AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप चैलेंजर जेफ जेरेट और जे लिथल खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइज हम देख रहे हैं कि काफी दिनों के बैक एंड फोर्थ एक्शन और रैपिंग के बाद फाइनली ये दोनों ही टीम इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक दूसरे के आमने सामने आने वाली है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि द क्लेम और जेफ जेरेट और जे लिथल जब पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तो यहाँ पर टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। और वैसे भी आप हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी के न्यूज रूमर और अपडेट फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगा कि इस मैच को बिल्ड करने के लिए काफी सारी पर्सनल चीजें कही गई है। तो देखना पड़ेगा कि उससे इस मैच के अंदर कोई रियल फाइट होती है या नहीं। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइज मेरे हिसाब से द क्लेम ये मैच जीतने वाली है और वो स्टिल रहने वाले है AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस, क्योंकि वो अभी अभी टैग टीम चैंपियंस बने हैं और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी अपनी चैंपियनशिप्स ड्रॉप करने वाले हैं। पर इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW कंपनी ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली आकर कुछ कहते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो गाइज देखना पड़ेगा कि हैंगमैन पेज के साथ चल रही अपनी राइवलरी के अंदर आगे मॉक्सली इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर आकर क्या कहते हैं। लेकिन गाइज इतनी चीजें हैं जो कि AEW कंपनी ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है। तो देखना पड़ेगा कि नए साल का डायनामाइट शो कैसा होता है। लेकिन इस सब के अलावा अगर इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर और कुछ होता है तो क्या है, ये आपको हमारे चैनल के ऊपर डायनामाइट शो के रिव्यू वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यू जापान प्रो रेसलिंग के रसल किंगडम 17 पेपर्यू की और जानते हैं कि उस पेपर्यू के ऊपर क्या हुआ। पर गाइज मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगा कि हम यहाँ पर इस पेपर्यू के बारे में एकदम शॉर्ट में बात करने वाले हैं और हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि AEW कंपनी से रिलेवेंट है, क्योंकि मैंने पहले भी न्यू जापान प्रो रेसलिंग के बारे में डिटेल में बात की थी और तब मुझे न्यू जापान प्रो रेसलिंग की तरफ से एक स्ट्राइक मिली थी और मैं नहीं चाहता कि ये मेरे साथ दोबारा से हो, इसलिए हम इस पेपर्यू के सिर्फ मेन पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पर सबसे पहली मेन पॉइंट ये थी कि इस पेपर्यू के ऊपर FTR अपनी न्यू जापान प्रो रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स हिरोकी गोटो और योशिहाशी के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे, जो मैच सच में एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा। पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर FTR अपने NJPW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप हार चुके हैं, जो मैंने एक्सीडेंटली पहले ही कहा था, पर अब फाइनली FTR के हाथ से सभी चैंपियनशिप चली गई है। तो देखना पड़ेगा कि आगे FTR के साथ क्या होता है। लेकिन गाइज इसी के साथ इस पेपर्यू के ऊपर एक और काफी बड़ी चीज हुई है कि कैरी सेन के अपने NJPW वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप सक्सेसफुली डिफेंड करने के बाद यहाँ पर फॉर्मर WWE सुपरस्टार साशा बैंक्स यानी करंट की मर्सिडीज मोने ने आकर न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर अपना डेब्यू करते हुए कैरी सेन को कन्फ्रंट किया, जहाँ पर सबसे पहले देखने में तो लग रहा था कि वो एक फेस सुपरस्टार है, पर यहाँ पर मर्सिडीज मोने ने कैरी सेन
जेन के ऊपर अटैक कर दिया और कहा कि वो न्यू जापान प्रो रेसलिंग की विमेंस डिवीजन की एक नई स्टैंडर्ड है और वो यहाँ पर आकर सभी पैसे जीत कर बाकी सब लोगों को बैंकक्रप्ट करने वाली है। जो बातें यहाँ पर साशा बैंक्स यानी कि मर्सिडीज मोने ने कही, जिससे कि मर्सिडीज मोने ने कंफर्म कर दिया है कि वो न्यू जापान प्रो रेसलिंग के साथ और स्टारडम के साथ है और उनका न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर पहला मैच भी कंफर्म हो चुका है। जो कौन सा है जानने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन के ऊपर जाकर न्यूज आर्टिकल्स पढ़ना मत भूलना और वहीं पर ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि आपको हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन के ऊपर AEW कंपनी के हर एक न्यूज रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले पता चलती है, तो इसीलिए वो वीडियो चेकआउट कर हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। लेकिन गाइज, इस सब के बाद फाइनली जो न्यू जापान प्रो रेसलिंग रसल किंगडम 17 पेपरव्यू के ऊपर जो सबसे बड़ी चीज हुई है वो ये है कि हमें यहाँ पर केनी ओमेगा और विल ओस्प्रे इनके बीच का ड्रीम मैच फाइनली देखने को मिला है। और गाइज, कहना पड़ेगा कि ओमेगा और ओस्प्रे के बीच का ये मैच सच में एक 5 स्टार नहीं बल्कि 7 स्टार लेवल का मैच था और मुझे तो ये मैच काफी ज्यादा पसंद आया है और इस मैच ने मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी हाई डिलीवर किया है। और अगर आप ये पूरा का पूरा मैच देखना चाहते हैं तो आप फिर एक बार ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन के ऊपर जाकर ये पूरा का पूरा मैच देख सकते हैं। पर जहां तक बात है इस मैच की रिजल्ट की, तो गाइज इस मैच के रिजल्ट ने मुझे काफी सरप्राइज किया, क्योंकि यहां पर केनी ओमेगा ने विल ओस्प्रे को हरा दिया है और गाइज यहां पर केनी ओमेगा बन चुके हैं IWGP यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, जो तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन फाइनली यहां पर केनी ओमेगा IWGP यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन चुके हैं, तो देखना पड़ेगा कि अब आगे ओमेगा और ओस्प्रे के बीच में क्या होता है, क्योंकि मेरे हिसाब से राइवलरी अभी खत्म नहीं हुई। और गाइज सच में रसल किंगडम 17 पेपरव्यू एक बहुत ही बढ़िया पेपरव्यू रहा है। और हाँ, जाते जाते मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओकाडा ने जे वाइट को NJPW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हरा दिया है और ओकाडा बन चुके हैं नए NJPW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और आप ऐसे ही AEW और NJPW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और हर एक शो का रिव्यू पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। लेकिन अब भी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?